अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे हरदिल अजीज़ मैडम सविता इंद्राडे मैडम के हिदायत पर जो आज काम शुरू हुआ, TFIDC ग्रांट है 1 करोड़ 21 लाख। काम सैंक्शन हो के 1 साल हो गया, मगर इनाग्रेशन करके सितंबर में करें मैडम वादसालन में, मगर थोड़े मुश्किल जो सामना करना पड़ा हम लोगों को, हमारे चेयरमैन साहब को, हमारे वाइस चेयरमैन साहब, हम लोगों को। खास तौर पर मेन ग्रांट का मसला था और कॉन्ट्रैक्टर का मसला था। इसी तरह परसों मुनगोड का जो इलेक्शन आने की वजह से सब बिजी थे उधर उधर गवा, और फंड्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि बीजेपी जालिम हुकूमत ने हम लोगों को जो फंड्स आना है हमारे स्टेट ग्रांट को न्याय निधि सरकार रोक रहे, मगर वो जालिम हुकूमत को अल्लाह जो है जल्दी से जल्दी ख़त्म करे और हमारे KCR साहब के हाथ मजबूत करे और मैडम सविता इंद्राडे साहब की हयात मजबूत करिए। और इसी तरह मेरे वार्ड में, वार्ड नंबर 10 में बस्ती दवाखाना एक आया और जो है बस्ती दवाखाने में रोज़ 150 पेशेंट्स के ऊपर आ रहे, और हमारे मैडम का और बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह 65 लाख से HMDA ग्रांट से खालिद बिन वालिद मस्जिद से लेकर ताज किराना स्टोर तक एक रोड पड़ी पूरे ख़त्म हो गया। इसी तरह 1 करोड़ 52 लाख रुपए से ड्रिंकिंग वाटर लाइन पूरी, DI लाइन पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, मगर 2 किलोमीटर की पाइपलाइन कम पड़ी उसमें ग्रांट में। हम जो है मैडम से फिर नुमाइंदगी रहे मिशन भगीरथा के तहत, वो भी जितने भी गलियों में, हर गली गली 1 फीट भी पानी बैलेंस नहीं है, पूरे वार्ड वादिसा लाइन, वार्ड वादे उमर, मंसूर कॉलोनी में पूरी पानी की पाइपलाइन पूरी बिछी हुई है। इंशाल्लाह करीब 90% पानी छोड़ा गया है, एक 10% है वो भी वालों की वजह से, गुत्तेदार की वजह से रुके हुआ है। इंशाल्लाह 100% पानी का जो हमारे को मिशन भगीरथा का मीठे पानी की जो लाइन दी है मैडम सविता इंद्राडे मैडम का, मेरे वार्ड के तरफ से, बस्ती के तरफ से, हमारे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए जो काम आज अंजाम दिए। इसी तरह शादी मुबारक के नेहरा बो 125 चक अब तक मैं काउंसलर बने के बाद ने दिए 1 करोड़ 25 लाख ग्रांट। इसी तरह 83 आदमियों को पेंशन 2000 रुपये जो है बेवाओं को जो पेंशन थे दो नेहरा बो 83 आदमियों को दिए और 125 आदमी को सैंक्शन हुए। पूरे मिला के मेरे वार्ड में 200 आदमी को महीना 4 लाख रुपये पेंशन KCR साहब की तरफ से, मैडम की तरफ से दिया जा रहा है। इसी तरह हम आप लोगों से, बस्ती वालों से, मेरे सीनियर लीडरों से, यहाँ सब जो है मेरे सीनियर लीडर्स है, मेरे से बहुत बड़े तजुर्बेकार लोग हैं, उन लोगों के तजुर्बे की वो करते हुए आज जैसा आबिद भाई है, हमारे सईद भाई है, हमारे न्याजू है, आप लोगों से सबसे गुजारिश है ये काम को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सियासत को बाजू रखते हुए मैडम की हिदायत पर, मैडम को हाथ मजबूत करते हुए इंशाल्लाह आप लोग काम करते हुए कोशिश है। इंशाल्लाह हमारी मैडम सविता इंद्राडे मैडम और हमारे चेयरमैन जो अब्दुल्ला सादी साहब है, इसी तरह हमारे काउंसिल मेंबर्स है, मेरे 28 साथी काउंसिल मेंबर्स है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए, हमारे चेयरमैन साहब का और वाइस चेयरमैन साहब का, मैडम साहब का शुक्रिया अदा करते हुए मैडम सविता इंद्राडे, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक आसानी पैदा फरमाई, और मैडम सविता इंदिरा रेड्डी जो हमारे महल के MLA हैं महेश्वरम कौंसिल जी के, और हमारे काउंसलर शमशुद्दीन साहब, और हमारे महल्ले के जिम्मेदारान हजरात जैसे नियाजू है, नियाजू भाई और इस्माइल साहब, दिगर अफराद, सबकी कोशिशों और काविशों के साथ जो है ना एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है जो ड्रेनेज का। हमारे लिए इतना बड़ा मसला था ये कि 20 साल 25 साल से जो है ना महला आबाद हुआ, आबादी बसी, लोग यहाँ पर मुसलमान रहते हैं और मस्जिद सामने है, लोग जो है ना नमाज को जाने के लिए इतना इतनी तकलीफ होती थी कि वो लोग वजू के साथ जाए तो जो है ना फिर जाके मस्जिद में वजू करना पड़ता था, जब जनाजा लेके जा रहे हैं तो एक साथ जो है ना कांधा देना मुश्किल होता था, इतनी तकलीफों के साथ जो है ना लोग जो है ना ज़िंदगी गुजारे हैं। आज जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जो है ना राहत का एक वक्त आया है, कि तमाम जिम्मेदारानों की कोशिश की वजह से, और मैडम खुसूसी खुसूसी तवज्जो हमारे सविता इंदिरा रेड्डी मैडम की कोशिशों के साथ जो है ना खुसूसी फंड जो 1 करोड़ 21 लाख रुपए के बजट से जो है ना ये ड्रेनेज का वर्क का काम शुरू हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम हजरात तहदिल से इन तमाम जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे लिए राहत का जरिया बना रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि महल्ले के अंदर जो सबसे बड़ी तकलीफ थी वो ड्रेनेज की थी हमारे को, क्योंकि ड्रेनेज का पानी रोड पे बहता था और थोड़ा बारिश अगर पड़ गया तो जाना आना हमारे लिए बड़ा मुश्किल का मसला था। आज जो है ना वो काम शुरू हो रहा है, अल्लाह के फजल करम से अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस काम को तकमील तक पहुंचाए और रुकावटों और जो है ना जो भी मसाइल है अल्लाह उसको आसान फरमाए, रुकावटों को ख़त्म फरमाए। कौन से एरिया में आता है वार्ड? ये वादी सालिहीन Phase 2 है, वार्ड नंबर 10, और हमारे जलपली म्यूनसिपालिटी है, और हमारे काउंसलर साहब जो है ना शमशुद्दीन साहब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कोशिशों के साथ जो है ना जो काम अब तक नहीं हुआ आज इनकी जो है ना काउंसलरी में इनकी जेर निगरानी में जो है ना आज ये काम हो रहा है, बड़ी खुशी है और मैं खुसूसी तौर पर उनका तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह कबूल करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
आज जलपली म्यूनसिपालिटी में वार्ड नंबर 10 जो हमारे शमशुद्दीन साहब का वार्ड है, यहाँ पर मुसलसल पानी का ड्रेनेज का जो मसला था, यहाँ पर जो कई सालों से लोग जो मुतासर थे गंदे पानी से, जो मस्जिदों के सामने थर जाता था या लोग जाने आने को उनके लिए इनका वजू टूट जाता था, तकरीबन यहाँ पर पूरे मैं समझ 3-4 कॉलोनी का पानी जो मेन रोड जो सालेन की जो मेन रोड थी वो रोड से पूरा नाली का पानी जाता था, उसको देखते हुए हमने हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सविता नायडू मैडम और हमारे अलहाज बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब से नुमाइंदगी की। अल्हम्दुलिल्लाह 1,19,00,000 रुपए आज सालेन के लिए सेंक्शन हुए थे। ये जो तकरीबन 3-4 महीने से जो काम पेंडिंग था, आज उसका हम जाके यहाँ पर जायज़ा लिए, काम को स्टार्ट कराए, क्योंकि लोगों की तकालीफ बहुत ज़्यादा हो जा रही थी, शिकायतें बहुत ज़्यादा आ रही थी कि लोग हम पे तनकीद कर रहे थे कि अब तक काम चालू नहीं हुआ, बल्कि लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुसलसल नुमाइंदगी पर शमशुद्दीन साहब और हमारे वाइस चेयरमैन और हमारे यहाँ के मुकामी लीडर नियाजू, इन सब की मेहनत है ये काम करने में, और इंशाल्लाह ये काम पूरा मुकम्मल होगा। 1,19,00,000 ये पूरी ड्रेनेज लाइन है 2 फीट की, जो पूरी मेन आउटलेट है, जो वादी उमर का पानी रहने दो या न्यू बाबानगर का पानी रहने दो या मेन रोड के जो जितने भी नाली के बरसने के जो पानी थे, उसकी आज नक्काशी की जा रही है और पूरा आउटलेट ग्रीन सिटी से लेकर हमारे उस्मान नगर तक आउटलेट बनाया जा रहा है। तो हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सविता नायडू मैडम का, जो लोगों की तकलीफ को देखते हुए यहाँ पर काम आज हो रहा है। हम सबका, मुकामी लीडरों का, मुकामी आवाम का, सबका शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में वार्ड 10 में जो बहुत सारे दिन से यहाँ पर प्रॉब्लम था एरिया में, तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर पी सविता इंद्राडी मैडम साहिबा और हमारे चेयरमैन साहब, हमारे काउंसलर्स, इसको मुसलसल बार बार मैडम को बोलकर, क्योंकि ये बहुत सारे दिनों से काम रुका हुआ था, सालों से रुका हुआ था काम, तो अभी जो है ना पब्लिक को एक राहत मिलेंगी, क्योंकि इमिडिएटली मैडम साहिबा ने कॉन्ट्रैक्टर साहब को भी कॉल कर बोला कि इमिडिएटली वर्क स्टार्ट करने के लिए, वर्क स्टार्ट हो चुका है, आवाम को भी बहुत सहूलत है। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ जितने भी हमारे आबिद भाई है, हमारे न्याजू है और हमारे इब्राहिम, सब तमाम लोगों का, जितने भी लोग यहाँ पर थे, पूरे हर किसी की एक कोशिश थी कि यह बस्ती में बहुत प्रॉब्लम है जाने के लिए, नमाजों को जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रही थी। 1,21,00,000 रुपए की लागत से ये वर्क स्टार्ट हो चुका है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मैडम साहिबा का, हमारे चेयरमैन साहब का, हमारे तमाम काउंसलर्स शमशु भाई का, ये तमाम लोगों की मेहनत से जुस्त जो है ना ये काम स्टार्ट हो चुका है। इंशाल्लाह ये होने के बाद साथ ही साथ रोड का भी काम स्टार्ट होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।